नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कांग्रेस को एक और बड़ा झटका, साथ ही मोदी सरकार का बड़ा फैसला। साथ ही हम इस वीडियो में बात करेंगे गर्भवती हथिनी हत्या केस में एक गिरफ्तार और अन्य खबरें। चलिए जानते हैं खबरें विस्तार से। पहली खबर, एक और कांग्रेस विधायक का इस्तीफा, राज्यसभा चुनाव से पहले 8 ने छोड़ा साथ। गुजरात में राज्यसभा चुनाव के ऐलान के बाद कांग्रेस विधायकों के इस्तीफा का दौर जारी है। अब तक 8 विधायक कांग्रेस का साथ छोड़ चुके हैं। बीते दिनों में 3 विधायकों ने इस्तीफा दिया है। इनमें से करजन से अक्षय पटेल, कपवाड़ा से जीतू चौधरी और मोरबी से ब्रिजेश मिर्जा है। ब्रिजेश मिर्जा ने अपना इस्तीफा स्पीकर को सौंपा है। राज्यसभा चुनाव के ऐलान के बाद कांग्रेस के 5 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था। गड्डा से प्रवीण मारू, लिंबड़ी से सोमा पटेल, अबडासा से प्रद्युम्न सिंह जडेजा, धारी से जेवी ककड़िया और डांग से मलंग गाविल ने अपना इस्तीफा दिया था। अगली खबर, कोरोना संकट पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, मार्च 2021 तक नहीं शुरू होगी कोई नई स्कीम। कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से देश की इकोनॉमी पस्त नजर आ रही है। इस वजह से रेवेन्यू का नुकसान तो हो ही रहा है, साथ ही सरकार का खर्च भी बढ़ रहा है। इस हालात का असर सरकार की नई योजना पर पड़ने लगा है। दरअसल केंद्र ने नई योजनाओं की शुरुआत पर रोक लगा दी है। वित्त मंत्रालय ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा अगले 9 महीने यानी मार्च 2021 तक स्वीकृत नई योजनाएं की शुरुआत को रोक दिया है। अगली खबर, केरल में गर्भवती हथिनी की हत्या में शामिल एक आरोपी को किया गया गिरफ्तार। केरल में एक गर्भवती जंगली हथिनी की मौत के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। राज्य वन विभाग ने ट्वीट किया, केरल वन विभाग ने हथिनी की मौत के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस घटना की देश भर में व्यापक स्तर पर आलोचना की गई थी। वन विभाग के सूत्रों ने गुरुवार को बताया था कि हथिनी की मौत की घटना के संबंध में 3 संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है और 2 अन्य संदिग्धों की तलाश की जा रही है। ऐसा संदेह है कि 15 वर्षीय हथिनी ने पटाखे से भरा अनानास खा लिया था जो उसे मुंह में फट गया। इसके एक सप्ताह बाद 27 मई को विलियार नदी में उसकी मौत हो गई थी। अगली खबर, 8 जून से नए नियमों के साथ खुलेंगे शॉपिंग मॉल। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने अनलॉक 1 का ऐलान किया है। यूपी सरकार के कुछ शर्तों के साथ तमाम कामकाजों को शुरू करने की मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार की तरफ से लॉकडाउन में ढील मिलने के साथ ही यूपी में शॉपिंग मॉल को 8 जून से खोलने की इजाजत दे दी गई है। कोरोना के चलते लगभग 2 महीने से अधिक वक्त तक मॉल बंद रहा है। अब शॉपिंग मॉल में एसओपी का पालन करते हुए यहां ग्राहकों को सेवाएं दी जाएंगी। अगली खबर, आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं नवजोत सिंह सिद्धू, केजरीवाल बोले उनका स्वागत है। क्रिकेटर से राजनेता बने नवजोत सिंह सिद्धू आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल वो कांग्रेस में है। गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर सिद्धू उनकी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं तो वो उनका स्वागत करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए ए टू जेड स्पीड न्यूज़। धन्यवाद।